मन ही मंदिर में शिव की बसेरा नहीं, मन ही मंदिर में अगर शिव की बसेरा नहीं तो बाबा धाम में जाने से क्या फायदा। मन ही मंदिर में शिव की बसेरा नहीं तो देवघर में चिड़का धाम में जाने से क्या फायदा। कभी गिरने वालों को उठाया नहीं, कभी प्यासी को पानी पिलाया नहीं, कभी माँ बाप को तूने खिलाया नहीं। हाँ एक टकूरे कंधे कंवर ले और बोल बोल भालो कोरे सुन बे धर्मों तो निंदा कुछ ही नहीं पतो हुचु बोल गुंगुर लगाई नहीं कंवर तैयार चुम 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 चले गेलो जाय ओखने भोला बाबा के पेड़ा चापाइलो गंगाय डुबलो तमे किछु बोटो जने कानेर ना खेर सब निये आइलो। अरे था मायर पेट बेदना होए गेल छे टेबलेट जने के काछे नो जंत शिव थकते घरे हमरा जल ढालछी गिए तारकेश्वरे रातुल चरण के छेड़े दिए प्रणाम करी सेई पाथरे मंडा मिष्टि खवाई जाके जे खेते चाय तारे दिली ना की होबे तोर पारे रूपाई पाइना भेबी तारी हमारे भोलेनाथ के नाम पर आप लोग सुने भी होंगे वो भजन भांगड़ भोला। भांगड़ भोला हमारे बेटी की लोइखे हमारे बेटी की लोइखे जमाई ना मिलो लागो सब मिलकर बात करने लगे माथे जे कर कपास भे कले हरे रे मारा माथे जे कर कपास भे अरे कले हरे रे मारा माथा दे सर के ऊपर देख रहे हैं हाय शशि कला भागड़ भोला भागड़ भोला बेटी देखर चावई ना मिले लागो भागड़ भोला बेटी देखर चावई ना मिले लागो भागड़ भोला तो आप लोग जानते होंगे शिव जी के माथे पर गंगा कहां से आ गया। तो ये गंगा पितामह भीष्म के माता लगते हैं।
गंगा के पुत्र है पितामह भीष्म और गंगा के पति है शांतनु राजा। एक दिन भोलेनाथ ने गंगा को लेकर गए थे देवलोक में परिवेशन करने के लिए और वादा किया था कि सूर्यास्त होने से पहले गंगा को मैं पति के घर लौटा दूंगा। लेकिन ये आशुतोष भोलेनाथ जब लाने भूल गए तो शांतनु राजा ने गंगा को त्याग दिया। उस समय भोलेनाथ ने गंगा को बोला कि माँ तू मेरे सर पे विराजमान करें ताकि मेरा भी भजन करने में मेरा भी इस मार्ग में चलने के लिए सुविधा होगा। तो फिर छाई भसो गए माखा अरे डुलु डुलु आखी देखा गोलाई जको अरे गोले में देखी अंदर सा पेरो माला ना करे भोला ना करे भोला बीटी देखल चामई ना मिलेला तो ना करे भोला देखो बीटी देखल चामई ना मिलेला तो ना करे भोला। तो इसीलिए कहती है मेरे भाई ये भोलेनाथ भोलेनाथ को मनाने के लिए अगर भोलेनाथ को ही पूजा करेंगे तो अभी अभी भजन हमने सुनाए मन ही मंदिर में शिव की बसेरा ले तो शिवालय में जाने से क्या फायदा मन ही मंदिर में से शिव बसेरा ले तो शिवालय में जाने से क्या फायदा। अच्छा अच्छा